तो इनको मैं एक एक करके आप लोगों को आंसर करूंगा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर प्लीज अपडेटेड गूगल एड्स का कोर्स स्टार्ट कर दिया है सर क्या एक टाइम में डिजिटल मार्केटिंग लाइक गूगल एड्स और कोडिंग लाइक वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल नहीं देखो ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि आपको अगर एक्सपर्टाइज करना है तो फिर एक ही निश को एक ही स्किल सेट को पकड़ के आप चलें ऐसा ना करें कि आप एस भी सीख रहे हैं साथ ही साथ मीडिया बाइंग भी आप सीख रहे हैं साथ ही साथ वेब डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं मतलब एस और चलो गूगल एड्स तो फिर भी थोड़ा बहुत एक सब्जेक्ट से मिलता जुलता है, है बट वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग दो बिल्कुल डिफरेंट मतलब अपोजिट चीज़ें हैं ठीक है तो इस चीज़ का आप ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें हाँ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने जा रहे हैं उस वक्त शुरुआत के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें समझनी जरूरी होती हैं पर जब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं और उस किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं उस वक्त दो नाव पे पैर रखकर चलने की जरूरत नहीं है आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा ठीक है यहाँ पर एक और क्वेश्चन है तरुण का क्वेश्चन है क्लाइंट फॉर एंड माई क्लाइंट वेबसाइट इज न्यू निश इज एजुकेशन एंड इट इट प्रोवाइड बिजनेस एनालिस्ट कोर्स ठीक है माई क्वेश्चन इज वट शुड भी द स्ट्रेट टू स्टार्ट एस यू फॉर माई क्लाइंट शु आई डायरेक्टली क्रिएट वेब पेज इज कॉन्टेंट फॉर टारेटेटेट की वर्ड्स और डू आई नीड टू क्रिएट मोर बैकलिंग्स फॉर वेबसाइट देखिए बैकलिंग्स आपको ज्यादा ज्यादा क्रिएट करने हैं या आपको पहले कॉन्टेंट क्रिएट करना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जिन की वर्ड्स के ऊपर कॉम्पीट कर रहे हैं उनकी वर्ड्स के ऊपर जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनका कॉन्टेंट कितना पावरफुल है और उनकी जो बैकलिंग प्रोफाइल है वो कितनी पावरफुल है मान के चलते हैं कि उनका जो कॉन्टेंट है उसी के पारलल आप भी कंटेंट बना रहे हैं मतलब तो उतनी ही क्वालिटी का कंटेंट आप बना रहे हैं उससे बेहतर जो कंटेंट है वो आप बना रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उनकी बैकलिंग्स की प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको बैकलिंग्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है अगर हम ये मान के चले कि भाई उनका मान के चलते हैं कॉम्पिटिटर्स जो है उनका कॉन्टेंट भी बेहतर है और उनकी बैकलिंग्स प्रोफाइल भी बेहतर है और आपका ना तो कॉन्टेंट ठीक है ना तो बैकलिंग्स प्रोफाइल अभी ठीक है तो so, उस पर्टिकुलर केस में पहले आपको कॉन्टेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है और उसके बाद आपको बैकलिंग्स के ऊपर काम करने की जरूरत है राइट तो सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले

ऑल्सो वैसे देखिए प्रोडक्ट के लिए तो मैंडेटरी है सर्विसेज के लिए आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये नियम बदलते रहते हैं बट आईसी शायद पांच सौ रुपए में मिल जाता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड होता है ना इट्स अ कोड बेसिकली वो पांच सौ रुपए मिल जाता है जब कभी आप जैसे किसी पेमेंट गेटवे के लिए भी अप्लाई करेंगे जहां से आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं जैसे स्ट्राइप वगैरह तो वहां पर भी वो आईसी कोड मांगते हैं तो आईसी कोड के लिए जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाकर पांच सौ रुपए की को देकर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं देखिए हमसे तो अभी तक जो हम लोग चीजें कर रहे हैं उसमें तो हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी

बात कर लें कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है यहां पर एक और क्वेश्चन है होप यू आर डूइंग वेल सर एडवांस फेसबुक और गूगल एड्स कोर्स कब स्टार्ट करना है बहुत कुछ अपडेट हुआ है आपके लास्ट कोर्सेस सेकेंड से उन्होंने पूछा आप अपने आपको डिजिटल मार्केटिंग वर्ड में कैसे अपडेटेड रहते हैं कौन कौन से ब्लॉग्स पढ़ते हैं कौन से पॉडकास्ट सुनते कौन हैं कौन से ईमेल लेटर्स सब्सक्राइब किए हैं एंड हमें भी रिकमेंड करें क्योंकि हमें पता भी नहीं होता और अपडेट आई होती है सो प्लीज़ रिकमेंड सम यूट्यूब चैनल्स पॉडकास्टर्स ईमेल लेटर्स टू अपडेट अवरसेल्स इन दिस डायनेमिक फील्ड देखिए आप हमेशा हर एक डायमेंशन में डिजिटल मार्केटिंग के अपडेटेड नहीं रह सकते इतनी वास्ट फील्ड है ना अगर आप बात करें केवल सोशल मीडिया की तो रेगुलरली अपडेट आती रहती है केवल अगर आप बात करें प्लेटफॉर्म्स की सर फॉर एग्जांपल हम इस्टाग्राम की बात करें तो कुछ ना कुछ नया नया बदलता रहता है गूगल एट्स की बात करें तो कुछ ना कुछ नया बदलता रहता है और वो भी अपडेट्स ऐसे आते हैं कि हो सकता है कि यूएस के अकाउंट्स में पहले अपडेट्स आ जाए उसके बाद इंडिया के अकाउंट्स में आए तो अपडेट्स जो है ना वो रेगुलरली बहुत तेजी से होती है तो बेसिकली आप सब फील्ड में पहली बात तो अपडेटेड नहीं रह सकते अब देखो मैं इंडस्ट्री में हूँ राइट right? मैं बहुत सारे जो व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं उसमें मैं एडेड हूँ जो क्लोज कम्युनिटी है जैसे फाउंडर्स की कोई कम्युनिटी है एजेंसी ओनर्स की कोई कम्युनिटी है ट्रेनर्स की कोई कम्युनिटी है तो उसमें मैं एडेड हूँ राइट बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं और इस टाइप से मैं एक्चुअली काफी एक्टिव हूँ राइट तो उसकी वजह से ना मुझे अपडेट्स पता चल जा जाते हैं ऐसे जो बहुत ही फेमस ब्लॉग्स हैं जैसे सर्च इंजन जनरल है सर्च इंजन लैंड है राइट और सोशल मीडिया टुडे है ये वाले जो कुछ ब्लॉग्स हैं जैसे कुछ ट्विटर के अकाउंट्स हैं फेमस पर्सनैलिटीज के या जो ऑफिशियल गूगल वगैरह के ट्विटर के अकाउंट्स हैं गूगल का ऑफिशियल ब्लॉग है गूगल के एड्स के अपडेट्स के लेकर आप गूगल पे जाकर गूगल एड्स अपडेट सर्च करेंगे तो वहां पर गूगल एड्स अपडेट्स का भी एक अलग से ब्लॉग है तो ये सारे सोर्सेस तो आपको मिल जाएंगे बट सभी न्यूज को

उनको आप मीट कर रहे हो मतलब जो भी आपको उसमें बेहतर बेहतर से परफॉर्मेंस देनी है वो आप पहले देने की कोशिश करें जब आप फील्ड में रहते हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सब चीजों को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आप अपडेटेड जो है वो बिल्कुल रहेंगे अगर आपको कहीं ऐसी कमी महसूस हो रही कि भाई मैं अपडेटेड नहीं रह पाता हूं या मैं पीछे रह जाता हूं तो फिर आप ये कुछ ब्लॉग्स फॉलो कर लें और इनमें आपको इनफ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है वैसे बहुत सारे ऐसे पेड कोर्सेज वगैरह भी होते हैं पेड कम्युनिटीज वगैरह भी होती हैं अगर आप पेड में जाना चाहें तो ऐसी भी बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर कम्युनिटीज आपको मिल जाएंगी फेसबुक ग्रुप्स वगैरह मिल जाएंगे आपको जिनको आप पेड में ज्वाइन कर सकते हैं तो वहां पर भी देखो ज्यादातर केसेस में अपडेट्स नहीं होती वहां पर भी लोगों के एक्सपीरियंसेस ही होती कि भाई मैंने ये एक्सपीरियंस किया तो उस टाइप से वो लोग डालते हैं मैं कोई पेड कम्युनिटी वगैरह आपको रिकमेंड तो नहीं करूंगा बट आप देख लीजिए रिसर्च कर लें तो उससे आपको ना क्लियरिटी हो जाएगी ठीक है एक और यहाँ पर क्वेश्चन है सर व्हाट आर गुड और बैड लीड्स आई मीन व्हाट इज द क्लासिफिकेशन हाउ कैन वी से इफ लीड इज गुड और बैड सेकंडली लास्ट टाइम मैंने आपको सवाल भेजा था कि आई एम नॉट गुड एट रनिंग एड्स बिकॉज हाई था लीड्स नहीं आई इन ऑल बट अब लीड्स आने लगी हैं एंड सी भी काफी अच्छा हो गया मेरे क्लाइंट्स के लिए पर मेन क्वेश्चन इज वो लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं जनरेटेड थ्री हंड्रेड लीड्स एन इवन क्लोज वन तो गलती किसकी क्या मेरी लीड्स इतनी बेकार हैं या अच्छी हैं अब देखो लीड्स की जो क्वालिटी चेक है ना एक तरीके से कि भाई लीड अच्छी है या खराब ये दो लेवल पर जो है वो जज होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कुछ लीड्स जनरेट हुई उसके बाद जब पहली बार उस लीड के साथ कनेक्ट किया गया सेल्स पर्सन ने कॉल करी तो एक तो या, जो या तो वो कह दे कि नहीं नहीं हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था आ, ये कहा से आप फोन कर रहे हैं हमने कोई इंक्वायरी नहीं करी थी इसका मतलब क्या हुआ अगर ऐसे बार बार हो रहा रहे कुछ हो रहा है दस पंद्रह बीस परसेंट है अगर सौ में से दस बीस ऐसे लीड्स से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप काम कर रहे होते हैं नेटिवली उनके जो फॉर्म होते हैं उससे लीड्स को जनरेट कर रहे होते हैं तो ये परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है लैंडिंग पेज से कर रहे होते हैं तो ये परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है बट फेसबुक के ऊपर आपको जो लीड की क्वालिटी है उसमें ऐसा अमूमन आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर केसेस में कि जो लीड्स का थोड़ी सी गड़बड़ क्वालिटी वाली लीड्स हैं राइट वो थोड़ी सी ज्यादा आपको फेसबुक में मिलेंगी कंपेरेटिवली गूगल के राइट तो पहला लेवल क्या है कि जब आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं जब आप उनको कॉल कर रहे हैं तभी वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमें तो इंक्वायरी नहीं किया या आप कहां से बोल रहे हो इस टाइप से उनको कुछ पता ही नहीं इसका मतलब आपकी टारगेटिंग ठीक नहीं है इसका मतलब आपके कैंपेन एंड पे जो है वो प्रॉब्लम है फ़ाइन सेकंड केस क्या होता है कि भाई उन्होंने कहा ठीक है भाई हमने इंक्वायरी तो की थी बताइए अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जब उन्होंने बताना शुरू किया था वो बोलते हैं नहीं नहीं हमें तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है या आपकी कॉस्ट ज़्यादा है या जो है कुछ भी और भी चीज़ है वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से इस तरीके से बताते हैं कि भाई हमें जो है वो अभी नहीं लेना है या सोच के हम बताएंगे इसका मतलब क्या है कि सेल्स पिच को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है है ना तो ये दो लेवल पर चीजों को आपको जज करने की जरूरत है कई बार सेल्स पर्सन उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं कि वो सेल्स कर नहीं पाते और हमको लग कि हमारी जो लीड्स थी वो अच्छी नहीं है तो इन सब चीज़ों को समझें दोनों लेवल्स पर आप जज करें अगर शुरुआत वाला लेवल जो मैंने आपको बताया कि तो जब आप उनसे शुरुआत में कॉन्टेक्ट करते हैं और बिल्कुल आपसे आपके प्रोडक्ट या सर्विस को पहचानते ही नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में तो फिर भाई लीड की क्वालिटी गड़बड़ है आपको अपनी लीड की क्वालिटी के ऊपर और ज्यादा काम करना पड़ेगा अब भले वो आप अपने फॉर्म वगैरह में कुछ क्वेश्चन को एड करके कर सकते हैं या नेटिव फॉर्म को यूज कर रहे हैं तो आप लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक भेज के देख सकते हैं आप अपनी हार्ड कॉपी में चेंजेस करके देख सकते हैं ऑफर को चेंज करके देख सकते हैं तो वो सारी चीजें आप जो है वो कर सकते हैं राइट तो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी ठीक है बट हाँ ऐसा होता है देखिए आप कई बार ऐसा हो भी सकता है कि अगर क्लाइंट्स लीड्स को क्लोज नहीं कर पा रहे तो आपके ऊपर ब्लेम आ सकता है कि भाई ठीक है आपकी लीड्स ही अच्छी नहीं आई थी बल्कि वो उनको नर्चर करने की या मेहनत करने की उनके ऊपर और ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं ठीक है प्रॉपर फॉलो वगैरह नहीं लेते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने क्लाइंट को बैठ के पूरी प्रॉपर सेल्स की जो प्रोसेस है ना उसको भी एक्सप्लेन किया कि भाई ठीक है आपके पास एक बार लीड आई और आपने उनको फोन किया कि भाई आपने इंक्वायरी की थी इसका मतलब आपके प्रोडक्ट या सर्विस ले ही ले ऐसा नहीं होता है कई बार ना आपको प्रॉपर सेल्स की प्रोसेस जो है उसको डिवाइस करना पड़ेगा अपनी एसओपीज जो है वो प्रॉपर बनानी पड़ेगी ये सब चीजें मैंने सेल्स कोर्स वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करी करेंगी अगर आप देखेंगे वो सेल्स कोर्स वाला वीडियो जाकर तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि सेल्स में चैलेंजेस जो है वो कहां पर आते हैं आई बिलीव बाकी लोगों को भी इससे जो मदद है वो मिली होगी हेलो सर, आई वॉज डूइंग एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम लखनऊ आई एनरोन द मार्क अंडर ट्रेनर मेटोर वी are also provided with live project right now we are running ppc and we are very soon working on meta h2 Theek hai bhai. so what should be the roadmap for me in future how can i do great in this industry i on a correct road will correct road pe, i was also mbn marketing student from jamia hamdard how it can help me in my digital marketing career एंड सी बिल्कुल हेल्प करेगी देखिए मैं खुद मार्केटिंग बैकग्राउंड है अगर बहुत सारे को नहीं पता है तो मेरा भी है और, और मैंने भी डिजिटल की शुरुआत में जॉब भी करी थी तो जहां पर भी मेरी सीबीज मैं डालता था वहां पर मुझे इस बात का डेफिनेटली एडवांटेज मिलता था कि भाई ये लड़का ना एम भी है और साथ ही साथ ना इसको डिजिटल मार्केटिंग की भी समझ है बट मेरा जो प्राइमरी रोल वहां पर था वो डिजिटल मार्केटिंग कहने का मतलब कि आप इस चीज का इस तरीके से फायदा नहीं उठा सकते कि आप कहीं पर जा रहे हैं सेल्स की नौकरी करने जा रहे हैं और आपको डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी सी नॉलेज है तो वो आपके लिए एडवांटेज है नहीं मतलब ये उल्टा होना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल की अगर आप कहीं पर डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं और आपके पास एक एमबीए की डिग्री है मार्केटिंग की समझ है बिजनेस की समझ है तो आपको वहां पर प्रेफरेंस मिल जाएगी ना कि आप सेल्स की या जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स नहीं है एम के डोमेन के अंदर उनमें जॉब करने जा रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो वहां वहां इस्तेमाल ही नहीं होगा तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक टेक्निकल और सेपरेट फील्ड है वहां उसका एज सच जो है वो इस्तेमाल नहीं होने वाला है ठीक है आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई होगी तो आप पहले तो ये डिसाइड करें कि एम से रिलेटेड दूसरी जो जॉब्स हैं उनमें आप अप्लाई करने जाएंगे या आप डिजिटल मार्केटिंग कि जॉब्स में एमबीए का एडवांटेज लेने जाएंगे राइट आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई होगी आप नेक्स्ट सवाल उठाते हैं आई बिन वर्किंग इन एसियो फॉर लास्ट थ्री ईयर नाउ आई फील आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन एसियो एंड ऑल्सो करियर वाइज आल्सो। सो आई हैव नोटिस्ड पीपल हु हैव

आ, सोचना कि भाई मैं इस फील्ड के अंदर हूं तो मैं ना कोई नई स्किल्स को एक्वायर ना करूं या टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड ना करूं और ऐसे ही टाइम के साथ धीरे धीरे मेरी सैलरी जो है बढ़ती जाएगी वैसा तो नहीं होने वाला अगर आप एस की फील्ड के अंदर हो तीन साल है का टाइम आप दे चुके हैं इसका मतलब आप आपको और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है नए चैलेंजेस को लेने की जरूरत है आप कंपनी को स्विच करने की सोचे। और यहाँ पर नीचे ना मेरे को एक कमेंट आपका दिख रहा है जिसमें आपने मेंशन भी किया था कि थ्री इयर्स के अंदर आप अप्रोक्सिमेटली वर्क फ्रॉम होम से फोर्टीड की सैलरी के ऊपर है तो वहां से जो आपने लर्निंग ली है उनसे आप और बड़ी कंपनीज में और बड़ी एजेंसीज में अप्लाई करना शुरू करें थोड़ी सी मोनोटोनस जॉब हो जाती है तो वो भी बेहतर नहीं है आप नए चैलेंजेस को लें राइट अच्छी और बड़ी एमएनसी एजेंसीज जो है उनमें अप्लाई करने की कोशिश करें खुद को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि भाई आज में किस टाइप से, ले रहे हैं, किस टाइप से जल्दी जो आज के टाइम की मार्केट की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से चीजें कर सकता हूं अगर आप एड्स में जाएंगे फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी एक डेढ़ दो साल आप देंगे और यहाँ का एसियो का एक्सपीरियंस एड्स में काउंट आपका नहीं होगा राइट क्योंकि आप में एक सेपरेट प्रैक्टिकल फील्ड है वह